हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड कवर स्टोरी में हम बात करेंगे एप्पल के आज लॉन्च किए गए वायरलेस हेडफोन पावर बीट 4 के बारे में और साथ में होंगी ढेर सारी आज की टेक न्यूज। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं मोहित फकरब देना शुरू कर चुका हूं टेक्निकल चार्जर। तो आज की कवर स्टोरी में हम बात कर रहे हैं आज लॉन्च किए गए एप्पल के नए वायरलेस हेडफोन पावर बीट 4 के बारे में। दोस्तों, काफी दिनों से इस हेडफोन को लेकर चर्चा बनी हुई थी और आज फाइनली इसकी मुंह दिखाई करा दी है। एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना पावर बीट 4 जो कि पावर बीट 3 का सक्सेसर वर्जन है और कंपनी की तरफ से जो इसकी प्राइस रखी गई है वो डॉलर में है। शुरुआत में $149.99, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास बैठेगी। अब बाकी इंडिया में जब कंपनी करेगी इसको लॉन्च तो देखते हैं क्या प्राइस निकल के आती है। वैसे आपको बता दें कि ये फुल्ली वायरलेस हेडफोन है और साथ में इसमें H1 चिप का यूज किया गया है जो कि एप्पल के एयरपॉड और एयरपॉड प्रो में किया गया था यूज। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस नए पावरबीट 4 को लेके कि इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो कॉल, साथ में आपको सीरी का सपोर्ट भी मिलेगा और सबसे कमाल की बात यही है कि आपको एप्पल का अपना वॉइस असिस्टेंट भी इसमें मिल रहा है। उसके अलावा डुअल माइक्रोफोन और स्पीड डिटेक्शन करने के लिए आपको मिल रहा है एक्सेलेरोमीटर भी। चार्जिंग के लिए आपको मिलेगा इस हेडफोन में USB-A पोर्ट और साथ में आप एक ही आईफोन पर दो पावरबीट 4 हेडफोन कनेक्ट कर सकेंगे साथ में ऑडियो शेयर करने के लिए ऑडियो शेयरिंग फीचर की मदद से। साथ में आपको बता दें कि पावर कितनी चलने वाली है, तो एक बार चार्ज किया गया हेडफोन आपको 15 घंटे तक प्लेबैक का टाइम दे सकता है। साथ में चार्जिंग भी इसमें आपको फास्ट दी गई है, 5 मिनट अगर आप हेडफोन को चार्ज करते हैं तो 1.5 घंटे का आप प्लेबैक टाइम ले सकते हैं। साथ ही ये पावर बीट 4 स्वेट रेजिस्टेंट भी है, यानी कि आपके पसीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कलर वेरिएंट में कंपनी ने किए हैं लॉन्च, रेड, व्हाइट और ब्लैक। बाकी इंतजार करते हैं इंडिया में इस हेडफोन के लॉन्च होने का। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने खुद की ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि गूगल यूट्यूब पे वो सारी फेक वीडियोस कोरोना वायरस से रिलेटेड डिलीट कर रहा है जिनमें गलत जानकारियां दी गई हैं, चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे उसके इलाज को लेकर गलत दवा का प्रमोशन किया गया हो या फिर किसी दूसरी बीमारी के मरीज का वीडियो को एक कोरोना वायरस के मरीज के तौर पर दर्शाया गया हो। इस तरह की वीडियोस को ढूंढने के लिए AI का किया जा रहा है यूज और उसके बाद इन सभी वीडियोस को किया जा रहा है YouTube से रिमूव। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों Vivo के V19 स्मार्टफोन को लेके। इसका ग्लोबली वर्जन तो एक हफ्ते पहले कंपनी ने कर दिया है लॉन्च। अब नई डेट आ गई है इंडिया में लॉन्चिंग को लेके, 26 मार्च को इंडिया में होने वाला है ये फोन लॉन्च, जिसमें कि मिलेंगे आपको 6 कैमरे। जो ग्लोबली वर्जन है उसमें 5 कैमरे दिए थे, इसमें आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेल्फी मोड पे और पीछे मिलेगा आपको 4 कैमरे का सेटअप, जिसमें कि SD710 चिपसेट क्वालकॉम का किया गया है यूज। Android 10 पर करेगा काम, 12 GB की रैम और साथ में 128 या 256 GB के दो वेरिएंट में हो सकता है इंटरनल स्टोरेज के ये फोन लॉन्च। आपको बता दें 24,999 रुपए के आसपास प्राइस रह सकती है, एक्सपर्ट्स का मानना है इंडिया में इस फोन को लेके। और साथ में मिल सकती है 4,500 mAh की बैटरी। बाकी इंतजार करते हैं 26 मार्च का जब फोन होता है इंडिया में लॉन्च। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों मोटोरोला के अगले फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन एज प्लस को लेके। काफी दिनों से इसकी रेंडर इमेज और ढेर सारी इमेजेस आ रही है सामने, एक नई इमेज आई जिसमें कि फोन बिल्कुल बैक और फ्रंट सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको मिल सकता है टॉप और बॉटम पे हल्का सा बेजल और बीच में मिल सकता है पंचोल में आपका सेल्फी कैमरा, पीछे मिलेगा आपको ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर कंपनी इस बार देने जा रही है। उसके अलावा फोन काम करेगा 865 एंड्रॉइड 10 पर करेगा ये काम, 12 GB की मिल सकती है इसमें रैम। उसके अलावा कर्व्ड डिस्प्ले इसमें की गई है यूज, जो कि एज से आपको एजेस से थोड़ा कर्व्ड में दिखाई देगी। बाकी देखते हैं यार फोन को जब फोन होता है लॉन्च क्या निकल के आता है इसमें खास और क्या कंपनी देने जा रही है इस फोन के प्राइस। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों, इंडियन रेलवेज के रतलाम जोन ने बढ़ा दिए हैं प्लेटफॉर्म के टिकट। अभी तक 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र में एक विकराल रूप ले चुका है कोरोना वायरस, उसको ध्यान में रखते हुए रतलाम जोन के जितने भी स्टेशन होंगे, 139 स्टेशन आते हैं इस जोन के अंदर, उन सभी में मिलेगा अब 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट। साथ ही रतलाम स्टेशन जो जोन है उसने कर दिया है कंफर्म कि जितने भी AC कंपार्टमेंट या कोचेस रेलवे में किए जाते हैं ट्रेन्स में यूज, उन सब में दे दिया गया है निर्देश कि 25 डिग्री तक रखा जाएगा तापमान, उससे नीचे नहीं किया जाएगा। तो कोरोना वायरस को लेकर हर कोई गंभीर है और यहां पर कि प्लेटफॉर्म पे बेवजह के लोग ना जाएं सस्ते टिकट की वजह से, इसलिए प्राइस को बढ़ाया गया है टेंपरेरी तौर पे। जब बाद में ये मुश्किल भी खत्म होगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिक 10 रुपए पे
वापस कर दिए जाएंगे। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों इटली में इंटरनेट यूज को लेकर। वैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से इटली गवर्नमेंट ने अपने लोगों को घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया है, और इसके साथ ही इटली में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियों ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड भी करा दिया है कस्टमर्स को, ताकि बेवजह वो बाहर ना निकले। और इसी को ध्यान रखते हुए इंटरनेट यूज का अब नया डेटा आया है सामने कि 70% से ज्यादा डेटा, चाहे वो ब्रॉडबैंड में हो चाहे सेलुलर डेटा हो, वो यूज किया जा रहा है गेम खेलने में, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ा जो डेटा है वो ट्रैफिक जा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्ट नाइट पे। यहां तक भी रिपोर्ट बताया गया है कि जो लेंदी यानी कि बड़े बड़े जीबी साइज तक के अपडेट्स हैं इन दोनों गेम के, वो भी ज्यादातर लोग अपडेट कर रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों गेम कोरोना वायरस में इटली के लोगों का सहारा बने हुए, खासतौर पे टीनेजर्स और स्टूडेंट्स का। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड गेमिंग सर्विस एक्स क्लाउड को लेके इंडिया में ये रिलायंस जियो के साथ में लॉन्च की जाएगी। वैसे पिछले साल ही माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म कर दिया था कि 2020 में वो अपनी एक्स क्लाउड को इंडिया में लॉन्च करेगा स्मार्टफोन्स पर, लेकिन अभी उस समय तक किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया था। यह पहला मौका जब रिलायंस जियो का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने इस सर्विस के तौर पर लिया है। वैसे आपको बता दें रिलायंस जियो भी इससे पहले पबजी जैसी कंपनियों के साथ में कर चुका है कोलैबोरेशन अपने स्मार्टफोन पर गेम प्रोवाइड कराने के लिए। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्स क्लाउड गेमिंग सर्विस गूगल के स्टेडिया को कंपटीशन देने के लिए लाया गया है, लेकिन इंडिया में फिलहाल तो ना गूगल का स्टेडिया है और ना माइक्रोसॉफ्ट का एक्स क्लाउड। इंतजार करते हैं शायद इस साल के लास्ट तक ये रिलायंस जियो के साथ में इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। अगला अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों यूट्यूब की रेवेन्यू को लेके। दरअसल यूएस की सिक्योरिटीज रेगुलेशन ने यूट्यूब की जो मदर कंपनी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उससे मांगा था यूट्यूब की रेवेन्यूज का आंकड़ा, और उसकी रिपोर्ट के उसके जवाब में एक रिपोर्ट साझा की गई है गूगल की तरफ से, जिसमें बताया गया कि यूट्यूब की एड रेवेन्यू में इस क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले 31% का इजाफा हुआ है, साथ ही क्लाउड सर्विसेज की रेवेन्यू में 53% का हुआ है इजाफा पिछले साल के मुकाबले, यानी कि यूट्यूब ग्रोथ अच्छी कर रहा है। और आज का लास्ट अपडेट निकल कर रहा है दोस्तों लिनोवो के गेमिंग स्मार्टफोन लीजियन को लेके। उसका एक इमेज टीजर आया सामने जिसमें कि कुछ एक्सेसरीज इस फोन से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक ब्लैक सूटकेस में रखी हुई है, रेड और ब्लैक टच के साथ में एक्सेसरीज का कलर दिया गया है। अगर एक्सेसरीज जो हम समझ पा रहे हैं उसके बारे में बात करें तो दो कंट्रोलर दिखाई दे रहे हैं जिसमें ढेर सारे बटन है, एक एनालॉग स्टिक है और साथ में फोन का बैक केस भी है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी भी टीजर्स में नहीं बताया गया है। हाँ, पुराना जो टीजर कंपनी ने किया था में नोबिया के 5G रेड मैजिक के साथ में किया था कंपैरिजन उसके हीट को लेके, और फोन में बताया गया था कि इस फोन में लिनोवो देने जा रही है लीजियन में कूलिंग इंप्रूव्ड वर्जन, उसके अलावा 5G फोन होगा, 55 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के साथ आ सकता है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। बाकी इंतजार करते हैं और भी डिटेल्स फोन का लिनोवो की तरफ से आने का। दोस्तों ये थी हमारी टेक न्यूज आज की एपिसोड के लिए। कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट बॉक्स में भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स का, और जाते जाते गली चैनल सब्सक्राइब अगर भी नहीं कर घंटी बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल साथ हिंदुस्तान से।